हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं लट गया। ओ क्या हो गया डॉक्टर साहब? मैं लट गया। क्या हो गया? डॉक्टर साहब पागल है आप, मर्द हो गए, रो रहे, हुआ क्या? हुआ क्या है? मेरे ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ओहो, क्यों मनहूसों की तरह रो रहे हो? कौन सी तोप चल गई यहाँ पे? चंदन, मेरे ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। और तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ है? वहाँ वो तीन नंबर पेशेंट थप्पड़ आ रहे हैं। थप्पड़ रहा है, तड़प रहा होता है, थप्पड़ रहा है। तीन नंबर पेशेंट थप्पड़ रहा है और यहाँ पे जो तीन तीन पेशेंट थप्पड़ रहे हैं उनका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। थप्पड़ रहा है। क्या हुआ आप लोग को? थप्पड़ के से दिल से आह निकलती रही, बहुत सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम, लुट गए हम, लुट गए तेरी मोहब्बत से। आखिर हमारे पैर में क्या कमी रह गई थी जो हमें छोड़ के जा रही है? अरे मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है, मैं जल्दी जाना है नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरे बस में आ जाओ, कभी नहीं छूटोगी। समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया तुझे? IPL का शूट करने जा रही है, एक टाइम पे दो दो शो करती, पैसे कमा रही, मनी माइंडेड कहेगी। समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं वो नहीं है, एक्चुअली बात ये है कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं। एक मिनट, हमारे देखने में क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हें गलत तरीके से देखा नहीं था क्या? हम कैसे देखे तुम्हें? लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इन्होंने तो पता नहीं आपको किस किस नजर से देखा है। तो साहब मैंने तो अपना टीवी भी बेच दिया, सारा दिन मैं इसको ही देखता रहता था। इतने ये नाटक करती है, उतने नाटक तो टीवी पे नहीं आते। अरे अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा तो ऐसे जैसे महारानी विक्टोरिया गरीबों को कोहिनूर दान करके जा रही है। जब आदमी ज्यादा खाना खा के ऐसे करता है, वो क्या कहते हैं उसको? फार्ट? उसके जैसा मुंह है तेरा। सुनो, जाते जाते एक बार गले नहीं लगोगी? ये मेरी नर्स है। तो गले लग लेके पैसे ले लेना। पैसे निकालो लग लिए। क्या पैसे निकालो? आपको आपका भी मेरे अपने पहले आपको गले ये तो मेरे गले पड़ रहे हो यार। ओह सुनो मैं बताना भूल गई, जब मैं नहीं है ना मेरी प्लेस में मेरी सिस्टर आ रहे बम्पर लॉटरी। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई। एक मिनट, मैंने तुम्हें रोका जब तुम हक कर रहे थे, तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? इतनी खुशी वाली बात बताइए, उनकी बहन आ रही बम्पर लॉटरी। अरे कितना लगते है आप लोग, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक हक तो बनती है। अभी तो हक किया तो खुशी वाली थी ना, एक दुखी वाली है। कर लो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ गरीबों में कंबल बांट रहे क्या? भागो यहाँ से। ओए हेलो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब दर्द ही चला गया तो दवा का क्या करें। अब जा ही रही है तो एक हक हमें नहीं मिलेगा? मैं तेरे ऐसी जगह पे लात मारूंगा, सारी जिंदगी हगता फिरेगा तो। चलो अंदर। मैं जा रही हूँ, बाय। और सुनो मेरी सिस्टर आ रहा है, उसको ख्याल रखना है, ठीक है? रखेंगे। बहुत याद आओगी तुम। बाय बाय।
लव यू लॉटरी, लव यू। अच्छा वैसे एक बात है, भगवान अगर एक हाथ से लेता ना तो दूसरे हाथ से देता भी है ना? देख अरे बड़ी जल्दी दे दिया भगवान ने। सूट समेत दे दिया। चंदू अगर तूने बंपर लॉटरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तेरी आंखें फोड़ दूंगा, वो मेरी है। बंपर लॉटरी सिर्फ मेरी है, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आ रही है, सात समंदर पार करके पहाड़ियां चीरती हुई सिर्फ मेरे लिए। अगर तूने दोबारा उसका नाम लिया ना मैंने तेरी दोनों पहाड़ियां चीर देनी है। ओए चिलंदा, मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरी नर्स है, समझाई तुम लोगों को? जवानी जान मन सीन दिल जवा मिले जो दिल जवा निचार हो गया, जवानी जान मन हसीन दिल मिले जो दिल जवा निचार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या जुलम हुआ ये क्या सितम हुआ, न जानू मैं न जाने वो। Doctor? Yes, I am doctor. Myself doctor. Hello? तुम कहाँ से डॉक्टर हो गए भाई? क्यों डॉक्टर की सारी लाइनें मेरे को आती हैं? भाई आपने मरीज को यहाँ लाने में देर कर दी, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यही तो कहना होता है। आप साइड पे होके लड़ो। Hello, myself is Dr. Chandan. ये लोगों के झूठे बर्तन धोता है, इतना हाय भी नहीं, इसको खुजली भी हो रही है। हाँ जी ये मेरे खाज करते हैं। ये मेरी नर्स है, इसे कोई छेड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब आपकी नर्स जा चुकी है, अब इनको मैंने अपने टी स्टॉल पे रखना है। इधर मुंह कर रहा है, क्या बात कही है? देखिए मुझे डॉक्टर कपूर के पास जाने हैं। आई एम डॉक्टर कपूर। तू कब से कपूर हो गया बे? तू तो डॉक्टर मशहूर है। कपूर और मशहूर में उर तो मिलता, मेरा तेरा का मिलता भाई। He's right. I am Dr. Kapoor. मुझे उनसे 25,000 रुपया लेने हैं। बेड नंबर 3 का पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है भाई। यार मेरे बर्तन इतने जूठे हैं, किसने मांझने? मैंने मांझने हैं। ए मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है यार, नींद आ जाती। 30,000 रुपया देने भी है। देखो भगवान की कृपा, पेशेंट ठीक हो गया। अच्छा बर्तन पता नहीं कौन साफ कर गया अपने आप ही। यार नींद का कोई पता नहीं, झट से आती झट से उठ जाती है। पर पहले लेने हैं फिर देने हैं। ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है यार? यार मेरा इलाज कर दो, अब फिर आने लगी यार। ये कौन बदतमीज है जो मेरे बर्तन फिर जूठे कर जाता है? आप लोग पागल है। सुनो पागल कह लो पर जाना नहीं मेरे, चल चल जा मत। हम किसी से डरता नहीं है। दिन ही खराब है यार आज का। एक्सक्यूज मी ये 50-50 हॉस्पिटल कहाँ है? जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा मिले जो दिल जवा हसीन दिल रुबा जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा मिले जो दिल जवा हसीन दिल रुबा जवानी जाने मन मिले जो दिल जवा निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ। एक्सक्यूज मी आपकी बेइज्जती? आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी तारीफ होता है। इस मुंह पे जो बनता वही बोल रहा हूँ मैं। हाय आई एम बंपर लॉटरी। अभी तो नया नया धंधा शुरू हुआ था, ग्लैमर चला गया हमारा। यहाँ पे आप में से डॉक्टर मशहूर कौन है? डेथ होगी उनका, अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हम लोग। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे दो लोग, डॉक्टर और चाय वाला, दोनों मर गए।
देखो दुनिया में कुछ नहीं लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। चंदू हाँ जी रख भी पतीला अपने पास। मैंने कभी दुकान पर 100 ग्राम चीनी नहीं रखी, मैंने बोरी क्या करनी है पूरी। 70 किलो का तो इसके मुंह पर मस्सा है। एक मिनट यार, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, आज तक हमने कभी किसी दूसरे के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। देखो हमने कितने सालों तक हट, कितने साल हो गए आज तक सिद्धू जी को कभी कुछ नहीं गिफ्ट दिया। सही बात है सिद्धू जी। आज हमारी तरफ से आपके लिए बाजी मोटी सी पेशकश। अरे इतने सालों से मैंने भी कोई हाथापाई नहीं की, मेरा डंडा कहाँ गया? एक मिनट, में क्या अनार हूँ जो आपस में आप लोग मुझे बांटी जा रहे हैं? हाँ वाह कद्दू का कॉन्फिडेंस देखो, खुद को अनार बोल रहा है। देखिए मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी बहन लॉटरी ने मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ यहाँ पर करेंगे वैसा ही व्यवहार वो आप लोगों के साथ करेगी, और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ, शिकायत करती हूँ आप लोगों की। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। मैं बस गया, मेरे पे लगी। हेलो लॉटरी कहाँ चली गई थी यार, तुम्हें मेरे प्यार की कोई फिक्र नहीं है? ओ हेलो के बच्चे, मैंने कमरा कर देना बंद और म्यूजिक कर देना लाउड और गिन के 350 मारने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चंदू से बात करनी है? मैंने तो पहले कहा था फोन मेरे लिए आया है। हेलो हराम खोर गधे उल्लू के पट्टे, तेरा तो मैंने पिछवाड़ा लाल कर देना तुम्हारा फोन किया तो। थैंक यू। क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, वही रिश्ते किनारे थे, माँ बहन वही पुरानी बातें। ये मैंने अपने पिताजी को फोन किया था सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक पहुँच चुकी हूँ। अब तो आप समझ गए ना मैं कितनी पहुँची हुई हूँ। हाँ जी 200 स्क्वायर फुट की तो आपकी स्माइल ही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि डॉक्टर आप हैं, जाहिर सी बात है ये सब पता चल गया मुझे। ये तो बैल के गले में भी होता है सब, फिर डॉक्टर है वो। चलिए बताइए मुझे करना क्या है। बताते क्या नहीं करना क्या है? मेरे को कुएं में धक्का मार दो, इसके ऊपर नहीं मारना मेरे को। तुम्हें पता भी है नर्स बनने के लिए क्वालिटी क्या होती है? नर्स बनने की मुझे पता है, देखिए इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, खून चढ़ाना आना चाहिए, नब्ज चेक करना आना चाहिए। हेलो किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो क्या करोगे? 14 इंजेक्शन लगा दूंगी। तेरा बाप देगा 14 इंजेक्शन? अरे लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तूने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है? मेरा दूसरा रूप ना, शाम को मैं ड्रिंक करने के बाद ना ऐसे इंजेक्शन करके सुनता मारता हूँ ना, दिखाता हूँ ना दूसरा रूप। मोहन बंद कर अपना लैट्रिन। तुमने पत्थर मारा है? बम नहीं मिला, नहीं तो बम मारती। तुम्हारा यह पत्थर ना कस्टमर के बम में लग गया और बम पकड़ के भाग गया, सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया। अरे नुकसान तो तुमने हमारा कर दिया, कितनी बदनामी हो रही है। अब तू भी ये मोहल्ला ये जगह और लोटा सब छोड़ के चला जा। कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? 25 साल पहले इधर कुछ नहीं था, 2 ईंट और 1 लोटा के साथ धंधा शुरू किया था। आज शेयर मार्केट में भी सब लोग मेरे को जानते हैं। मुझे और गुस्सा मत दिला समझा, वरना जिन 2 ईंटों से तूने धंधा शुरू किया था ना उन्हीं से मैं तुझे मारूंगी। अरे नानी इट्टू सादा इट्टू, सिर्फ 2 मिनट रुको। हेलो तंडा 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 थोड़ा गर्म होने तंडा होने का भूकंप। कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ है तेरा सैन कक्ष? हट जा, हट। नानी डोंट वेस्ट पानी, ये लो। आप सबको पता ही है कि अजहर भाई ने अपने टेस्ट करियर में जब शुरुआत हुई थी आते ही टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरीज बैक टू बैक मारी, इतना मतलब कमाल की बात है।
तो अजहर भाई आप इतना क्या भरे पड़े थे कि आते ही आपने 3 सेंचुरी पेल दी? सर भरने की जरूरत ही नहीं थी सर, फॉर्म अच्छा चल रहा था, मैं बोला चलो चला लें। जब मेरी पहली सेंचुरी हुई थी जी, इतनी बोरिंग थी, 310 या 12 बॉल में सेंचुरी की थी, तो मुझे भी पता नहीं बोला सही भी मैंने 100 किया या नहीं, 300 बॉल खेल के। अरे मैंने इससे भी बोरिंग सेंचुरी बनाई है, मैंने 516 बॉल में 200 रन बनाए हैं, क्या बात कर रहा है। आज दो पुराने यार इकट्ठा हुए हैं, आज मजा आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, खुदा की ऐसी बेमिसाल कारीगरी फिर से नहीं देखी, वो फ्लिक, वो कट, वो बाजीगरी फिर से नहीं देखी। एक, एक से एक जांबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में, मगर कलाइयों की ऐसी जादूगरी फिर से नहीं। अरे ये, 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 ये। बात है। अच्छा अजहर भाई ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो किए ही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 62 बॉल्स में बाजी, मेरे ख्याल से 63 सर। हाँ 63 आपके बड़े सर 62 प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। अरे 63 और 62 62 थे सर, अरे बैटिंग मैं कर रहा था। चलिए आपकी बात मान लेते 63, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। जितनी स्पीड से अजहर भाई ने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की थी, आज तक सर 2020 में भी प्लेयर्स जो है इतनी जल्दी नहीं खेल पाते, क्योंकि हालांकि उनको खेलना होता है कि रन पे रन मारने, तो आपको ये मलाल नहीं होता था कि यार हमने इतनी प्यार से सेंचुरी खेली इतनी अच्छी, सामने नाचने के लिए चीयर लीडर्स कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम पे होती नहीं थी? बिल्कुल होता है ना सर मलाल, चीयर लीडर कहाँ होती थी उसमें, अब मलाल तो होता है, अब मलाल नहीं होता। पहली बार जब मैं मियाँ को मिला ना, तो ये रूम पार्टनर मेरा, तो किटबैग विटबैग रखा, मैं कहा यार मियाँ फिल्म देखने चलते हैं, कह रहा ठीक है ठीक है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पिक्चर लगी हुई हीरो, अच्छा मीनाक्षी शेषाद्री, तो किसका आइडिया था ये? मेरा। तो हम लोग गए तो वहाँ हाउसफुल, तो साल में एक का दो करता जा रहा था। अब मैं कहा भाई ब्लैक में टिकट कितने की देगा, कहता 4 रुपये वाली 10 में, मैं कहा थोड़ा ठीक ठीक लगा, कह रहा फिर 1 8 रुपये में मिलेगी, सबसे अगली सीट में बिठा दिया गुरु, वो जिसमें ऐसे करके देखते हैं सबसे सबसे, और गाना चालू हो जाते ही बैठे, मतलब टनाटन फिल्म, तू मेरा जानू है तू मेरा, जैसे ही देखा ना तो जानू देखा, तो जानू 170 फुट का। जब ये हम देख लें पिक्चर कहते थे, मैं बोला भाजी अब बहुत बड़े बड़े शरीर दिख रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है एकदम बिल्कुल सामने, बोल तो बोले नहीं भाई जी मेरे को अच्छा लगता, हर चीज बड़ी अच्छी लगती है। और आप तो जो क्रिकेटर होते तो आपको तो बॉल भी जो है बैट्समैन को फुटबॉल जैसी दिखती है, हाँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री तो आपको शेषाद्रा दिखा होगा पूरा। अच्छा अजहर भाई को कलाइयों का जादूगर कहा जाता है, जैसे सिद्धू भाई ने भी मेंशन किया, क्योंकि ऐसे ऐसे शॉट्स मारते थे पता भी नहीं चलता था, सामने वाला बॉलर कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी शॉट मारने वाला है, खुद कंफ्यूज होता मैं कैसे खेल रहा हूं। अरे शरीफ भाई एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूं कि अजहर भाई के बारे में दुनिया तमाम जानती है, इनके खेल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम वाली बात है या आपकी दोस्तों की अपनी कुछ हरकतें ऐसी कुछ तो शेयर करो भाजी, आज आपके दोस्त आए यार, आज आपका शो ये। मियां जैसा फील्डर हिंदुस्तान ने आज तक कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं, और आने वाले 500 साल में करेगा भी नहीं, क्या बात है, करेगा ही नहीं। मतलब हम लोग कैच ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, ये ऐसे पकड़ते थे, ऐसे उन्होंने ऐसा ऐसा कैच, मैं ऐसा बहुत कम पकड़ता था, ऐसा कैच पकड़ता था मैं ज्यादा। दो ही क्रिकेटर थे जो ऐसे कैच पकड़ते थे, और दोनों ही हैदराबाद से, एक ने जिंदगी में कभी कैच पकड़ा नहीं, दूसरे ने कभी छोड़ा नहीं, इसने कभी छोड़ा नहीं, और अरशद अय्यूब साहब थे उन्होंने कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं। अच्छा आप इतना अच्छा कैच पकड़ते हैं और ऊपर से आप इतने शाये हैं, तो ये पकड़म पकड़ाई में इतने तेज कैसे हैं आप? सर बॉल जब आता तो उतना शाही नहीं रह सकते ना सर, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है, अगर बॉल के साथ अगर अब या बैट के साथ अगर शाही रहेंगे तो शायद मैं आपके शो में यहाँ पे नहीं आता था। अरे वाह। अजहर भाई से ढेर सारी बातें और भी करेंगे, अजहर भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सर। आप सबको मैं बता दूं कि अजहर भाई की लाइफ से इंस्पायर्ड एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है अजहर। जी सर। तो अजहर भाई जब आपको पता चला कि सोनी और एकता कपूर आपकी लाइफ पे फिल्म बना रही हैं? मैंने मना कर दिया था पहले। आप बोलने से पहले बोल। तो आपने पहले मना कर दिया था? पहले मना कर दिया था। तो फिर आप माने कैसे आप? सर माने, इन लोग ने बहुत मुझसे परस्यू किया सर, आदमी जब ज्यादा परस्यू करता है तो करता है तो उसके बाद मैं कंटा गया, चले यार रोज रोज काम। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.